A very good morning to all our Gringsolians. My dear children, welcome back in your class. Dear children, as it's our study time, so all of you get ready for your today's work. Our today's schedule, class 3rd, subject computer. Today we will learn paint. Hello, good morning my dear student of class 3rd. How are you all, beta? I hope you all are well and good. So my dear student, I'm your computer teacher, right? Now my dear student, in previous video we have completed our topic, word pad. You have done your work? Done. Very good. So now my dear student, our today's topic is paint. Okay, so firstly open your notebook. Open. Okay, now firstly mention date. Done. Now next line mein heading lalia, my dear student, paint. Okay, now start karte hain my dear student paint. राइट करिए आप लोग नेक्स्ट लाइन में, हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है इसको. राइट करिए, पेंट इज अ प्रोग्राम इन विच यू कैन ड्रॉ एंड कलर डिफरेंट इमेजेस एंड शेप्स यूजिंग डिफरेंट टूल्स गिवन बाय इट. मैं रिपीट कर रही हूँ माय डियर स्टूडेंट, पेंट इज अ प्रोग्राम in which you can draw and color different images and shapes using different tools given by it. Paint क्या होता है students? एक तरीके का program है जिसमें हम कुछ भी draw कर सकते हैं, color कर सकते हैं. बहुत different images हमें available होती हैं वहाँ, shapes available होती हैं जिन्हें हम color भी कर सकते हैं, draw भी कर सकते हैं और डिफरेंट टूल्स का भी यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स. जो हमें पेंट में अवेलेबल पहले से मिला होता है उसमें, पेंट में ऑप्शंस में. ओके, नाउ ये तो हमारा था पेंट का मीनिंग. अब हम स्टार्ट करते हैं आपको स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में हेडिंग डालनी है, प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग पेंट. हम लोग पेंट को कैसे स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर में. ओके, नाउ इसके नीचे स्टूडेंट्स नेक्स्ट लाइन में लिखिए स्टेप वन, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन स्टूडेंट्स आपने कंप्यूटर में नीचे देखिएगा, आप लोगों के घर पे कंप्यूटर हो तो आप करके देखिएगा इसको प्रैक्टिकली. आपको नीचे बिल्कुल साइड में एक स्टार्ट बटन का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहाँ क्लिक करना है. नाउ स्टेप टू, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स. नाउ नेक्स्ट स्टेप है स्टूडेंट, जब आप स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देंगे देन सेकंड प्रोसेस है, उसमें एक लिस्ट खुल के आएगी, उसमें सबसे नीचे लिखा होता है ऑल प्रोग्राम्स, तो आपको उसको क्लिक करना है. नाउ स्टूडेंट स्टेप नंबर थर्ड, क्लिक ऑन एसेसरीज. इसके बाद जब आप ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे एसेसरीज का ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स, आपको उसको क्लिक करना है. नाउ स्टूडेंट्स स्टेप फोर्थ, क्लिक ऑन पेंट. उसके बाद जब आप एसेसरीज पर क्लिक करेंगे तो उसमें पेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको वहां पर क्लिक करना है. ये आपका लास्ट स्टेप था स्टूडेंट्स. नाउ उसके बाद लास्ट लिखिए इसके नीचे, द पेंट प्रोग्राम विल अपियर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. द पेंट प्रोग्राम विल अपियर ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन. इसके बाद जब आप पेंट पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने जो स्क्रीन ओपन होकर आएगी वो क्या होगा स्टूडेंट्स, पेंट. किसकी स्क्रीन आएगी, पेंट आपके सामने खुलकर ओपन होकर आ जाएगा. नाउ स्टूडेंट्स ये तो हमारा अभी हमने पेंट का मीनिंग कंप्लीट किया. नाउ सेकेंड किया हमने प्रोसेस ऑफ पेंट, राइट. इसके बाद अब आप नेक्स्ट पेज ओपन करिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज ओपन करिए, डेट मेंशन करिए. नाउ अब हेडिंग डालिए स्टूडेंट्स, टूल्स इन पेंट.
अब हम क्या है, पेंट में जो हमें टूल्स अवेलेबल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। फर्स्ट डालिए इसके नीचे पेंसिल टूल्स। सबसे पहला कौन सा है स्टूडेंट्स? पेंसिल टूल। पेंसिल टूल क्या होता है स्टूडेंट्स? अब इसका मीनिंग लिखेंगे इसके नीचे नेक्स्ट लाइन में। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट कॉमा वेबी एंड कर्व लाइंस। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट कॉमा वेबी एंड कर्व लाइंस। जो है पेंसिल टूल क्यों यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स? कोई भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है, चाहे वो स्ट्रेट है, वेवी लाइन करनी है या कर्व लाइन ड्रॉ करनी है, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? पेंसिल टूल का। नाउ नंबर टू स्टूडेंट्स, इरेजर टूल। नंबर टू, इरेजर टूल। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इट इज़ यूज्ड टू रब द ड्रॉइंग्स शेप्स। It is used to rub the drawing shapes. Eraser tool क्यों use किया जाता है? कोई भी हमने drawing की है, कोई shape बनाई है, तो हम उसको कैसे erase करेंगे? Eraser tool के through. Okay? Now student number third, brush tool. Number third, brush tool. It is used to draw freehand lines of different style. It is used to draw freehand lines of different styles. Brush tool क्यों use किया जाता है students? Brush tool use किया जाता है कोई भी freehand line draw करनी है हमें किसी भी style में, जैसे भी हमें उसे बनाना है, हम brush के through से कैसे भी अपने according draw कर सकते हैं. Okay? Now fourth number student, line tool. Line tool. इसके नीचे लिखिए, इट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड लेंथ। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइंस ऑफ डिफरेंट थिकनेस एंड लेंथ। लाइन टूल यूज किया जाता है स्टूडेंट, अगर हमें कोई लाइन यूज करनी है डिफरेंट डिफरेंट तरीके की लाइन यूज क्लिक बनाने के लिए, चाहे वो मोटी हो थिकनेस में हो या पतली बनानी है या उसकी लेंथ ज़्यादा रखनी है, तो हम किस टूल का यूज़ करते हैं? लाइन टूल का। ओके, नाउ नंबर फिफ्थ स्टूडेंट, रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल, इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ, इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ बॉक्सेस एंड स्क्वायर विद डिफरेंट बॉर्डर्स। It is used to draw boxes and square with different borders. Rectangle tool क्यों use किया जाता है student? कोई हमें box बनाना है या square बनाना है, वो भी different borders के साथ, उसका border देख करके। Okay? Now student sixth number, circle tool. Circle tool. It is used to draw circles or ovals of any size. It is used to draw circles or ovals of any size. Circle tool use क्यों करते हैं students? कोई किसी भी size का हमें circle draw करना है या oval draw करना है, तो हम किस tool को use करेंगे? Circle tool. Now student number 7, rounded rectangle tool. Rounded rectangle tool. It is used to draw. It is used to draw rounded rectangles. Rounded rectangles. Rounded rectangle tool क्यों use किया जाता है student? हमें कोई rectangle draw करना है, उसके जो corners होते हैं ना वो round shape में बन जाए इसलिए. Okay? Now student number 8, polygon tool. Polygon tool. It is used to draw triangles or other shapes. It is used to draw triangles or other shapes. पॉलीगॉन टूल यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमें कोई ट्राइंगल ड्रॉ करना है या कोई और अदर शेप ड्रॉ करनी है, तो किस टूल के थ्रू करेंगे हम? पॉलीगॉन टूल. नाउ स्टूडेंट नंबर 9, कर्व टूल. नंबर 9, कर्व टूल. इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ कर्व्स. इट इज़ यूज्ड टू ड्रॉ कर्व्स. कर्व टूल किस लिए यूज़ किया जाता है? कोई भी कर्व ड्रॉ करने के लिए. ओके, नाउ स्टूडेंट नंबर 10, टेक्स्ट टूल. टेक्स्ट टूल.
इट इज़ यूज टू राइट इन पेंट, इट इज़ यूज टू राइट इन पेंट। टेक्स्ट टूल क्यों यूज़ करते हैं स्टूडेंट? अगर हमें पेंट में कुछ लिखना है, राइट करना है, उसके लिए। नाउ नंबर 11th स्टूडेंट्स, सेलेक्ट टूल, सेलेक्ट टूल। इट इज़ यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन पेंट विंडो। इट इज़ यूज टू मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन पेंट विंडो। अगर कोई ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट जिसे हमें मूव करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पेंट विंडो में, तो हम किस टूल का यूज़ करते हैं? सेलेक्ट टूल। नाउ माई डियर स्टूडेंट, आर टूडेज टॉपिक पेंट इज कंप्लीटेड नाउ। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। माई डियर स्टूडेंट्स, योर टूडेज क्लास इज ओवर नाउ। होप यू एंजॉयड दिस क्लास एंड नाउ इट्स टाइम फॉर आर होमवर्क। माई डियर स्टूडेंट्स, इन योर होमवर्क कंप्लीट वीडियो क्लास वर्क इन योर कंप्यूटर नोटबुक एंड प्रैक्टिकल कंप्लीट एट होम। सो डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से बाय बाय। See you in the next class. Till then, take care and God bless you.